नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष डोगरा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज मैं ये देखिए एलोवेरा जो मैंने लगाया था, बिल्कुल ही छोटी छोटी इसके बेबी प्लांट लगाए थे बिल्कुल, तो ये देखिए कितना हो गया और इसके ये देखिए कितने सारे निकल रहे हैं बेबी प्लांट। ये निकाल के मैं किसी दूसरे में लगा दूंगी, देखिए इसमें भी इधर भी है। से हो गया और ये जो न्यू पौध लगाए थे मैंने मिर्ची के, देखिए ये भी अच्छे से हो गया, ऊपर से मैंने पिंच कर दिया था उससे, देखिए इसकी ग्रोथ देखिए ऊपर से बुच्छी बन गए। और ये मैंने इसकी बैगन की भी लगाई थी, चपटी है एक तो मर गया और ये है अभी पौध है मेरे पास बची। और ये देखिए इटालियन बेजल इसके सीड्स बन रहे हैं, ये रहने दूंगी मैं अभी नहीं, ऊपर से इसको करूंगी निकालूंगी रहने दूंगी इसको, कितनी अच्छे से हो रही है। ये भी दोस्तों खाने में यूज करते हैं, जैसे धनिया हम लोग यूज करते हैं वैसे ये भी यूज करते हैं। आज दोस्तों मैं ये सिंगापुरी पार्क है इसकी हार्वेस्टिंग करूँगी, ये देखिए इसमें भी फ्लावर आ रहे हैं। इसको भी जितना हम लोग ये ऊपर से काटेंगे इतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेगा। एक ही मैंने पौधा लगाया हुआ है वही है, एक पौधे से देखिए कितना सारा हो गया। ये ऊपर से जितनी मैं पिंच करती जाती हूँ हार्वेस्ट करती जाती हूँ उतना ही ज़्यादा फैलता है। ये पत्तियां भी कितनी सुंदर लगती हैं, शो प्लांट की तरह से।
दोस्तों मैं हार्वेस्ट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए गमले में है, छोटे से गमले में ये देखिए पर्पल वेजल है, कितनी अच्छे से हो गई है। ये भी पिंच कर देती हूँ ऊपर से। करती है मैंने ये पोई की है बेड। ये देखिए इधर भी कुल्फा लगा हुआ है, ये भी मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। भिंडी के तो इसमें पौधे जो है वो सारे खत्म हो गए हैं। ये देखिए खत्म क्या हो गए, ये देखिए नन्ना सा फ्लावर इधर भी है पालक में, ये भी मैं कर लूँगी हार्वेस्ट। इतनी सॉफ्ट डंडी है इसकी। फ्लावरिंग भी होने लग गई है। थोड़ी सी नाल पोस की पत्तियां भी दे देती हूँ। बड़ी बड़ी पत्ती हैं वो बॉडी दे देती हूँ, जैसे कि सूख के नहीं तो गिर जाएंगी। देखिए बस ये मैंने ले ली, ये देखिए जो मैंने कटिंग लगाई थी ये भी कर दी थी। ये पहली बार करने जा रही हूँ उसकी हार्वेस्टिंग। कितनी ब्रांचेस निकल रही हैं।
आज का वीडियो मैं दोस्तों यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।